चलो बेटा चलो। सुना अभी आपने? सुना और देखा भी। भैया हेलो, ओ भैया पुजारी, भोग लगवाया वहां पे? भोग लगवाया? आया ना करो, भोग लगवाया? ठीक वो बात भल का लगा। हाँ पंडित जी भोग लगाओ। दूसरी अवदास का समय है। भैया इधर चाय पहुंचा दो, इनका ट्रेन खत्म हो गया है। हमारे पिंटू भैया जी बहुत उदार में हैं। चाय चाय लाओ। चाय भैया। ओके करो भैया। हेलो हेलो हेलो। चलिए ठीक है, लाइव लेलिस पधारी। हमने कहा था कि एक अविवाहित 16 साल की माता बनी है चार लाल की। हमने दिखाया था एक रुपया में 16 आने, मतलब 16 साल, एक रुपए में चार चवन्नी, मतलब चार लड़के। ठीक है, हमने ये दिखाया था। अब क्या? लेकिन नीचे से एक महोदय बोले, एक अध्यात्म दिया है तो हम वो अध्यात्म से जवाब दे रहे हैं। चार वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 1000 वेदांत। जहाँ पर ये पूर्ण होते हैं वहां से अध्यात्म का सब शुरू होता है। अरे कुछ समझो, अध्यात्म बता रहा है, मेरे लिए आए हैं अध्यात्म बता। हाँ ऐसे नहीं, खबर एक बार पाक में है। हमने जो खंड गीत गाया उसमें हमने कहा था कि कुकुता टेढ़ा टेढ़ा चलता सांप चले टेढ़ा टेढ़ा। अब बता रहे कुकुता सीधा चलता है। अभी तुमको यही पे दिखाएंगे। वो दौड़े अगर टेढ़ा ना दौड़े तो पैर वो सीधे नहीं रखता। हो सकता है इनके हाथ सीधा दौड़े, चश्मा थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं जानते इनके चश्मा थोड़ा सांप चला टेढ़ा टेढ़ा। सभी आप देख रहे हैं सांप टेढ़ा चलता है। आप अभी आए थे क्या? सवाल जवाब कब हो? यहाँ सवाल जवाब। और फिर जवाब मिला रही है, बंदर नकल उतार रहे हैं। अरे बंदर नकल उतारता है तब जब बंदर को सिखाया जाता है। जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो नकल नहीं उतार रहा। ये सब बता रहे हैं। वो पेड़ से सीख के आया हो तो अब ही बंदर चक्कर पड़े नहीं पिंटू भैया। चलो ठीक है। जवाब मिलाइया। लीलाधर की गाय तो रही है बेचारी। एक विवाहित दो पति संग में चर्चित ये नारी है। बता रहे चार शब्द। अच्छा अब बता, 30 दिन का महीना बता रही है। 7 × 4 = 28। 28 दिन कहाँ चले? 2 दिन राय में। 31 दिन का हो तो चलिए ठीक है। कुछ न कहो, छोड़ो कमाए खाए खाने कमाने दो भाई। एक 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 खंड गीत आया है। कौन सा? चलो फंसाओ भैया। रेलिया चल चलिया के गाँव। अभी एक टुकड़ा छोड़ेंगे, परेशान परेशान ना करो। अभी बिटिया है ना, अब मंच पे बिटिया थोड़ा ही। अच्छा अच्छा ठीक है। हम तो खेला है, कोई सवाल है नहीं। फिर अकेले गाओगे कि या तो बगिया की आवे। ए हे ए हे
आवे याद तन घर की आवे याद याद तकिया की आवे याद तकिया की आवे याद तन घर की आवे याद झूला की आवे याद कोई तट किया आगे बता दे रेलिया रे ले चल समरिया के गांव में आप मीरा का कथानक आपने जोड़ा है चित्त विचित्र कथा जब राणा ने विष का प्याला भिजवाया मीरा के लिए वो विष नहीं रहा वो अमृत बन गया और जब अमृत बन गया तो वहीं से जवाब निकालने का प्रयास कर रहा हूं सुनिएगा हो मीरा मोहन का बुलावे देखिए जवाब मिला कहां का जब कन्हैया प्रसन्न हो गए कन्हैया जब सामने प्रकट हो गए तो मीरा ने कहा क्या अब मुझसे दुख नहीं सहा जा रहा दुख नहीं सहा जा रहा प्रभु ऐसा करो कि अब मुझको मुझको बाहों में ले ले अब हुआ क्या मीरा मोहन का बुलावे तू खुले सब अपने सुनावे आंख से मोती गिरावे नहीं सुध पावे अब मीरा मोहन का बुलावे दुखोरे सब अपने सुनावे आंख से मोती गिरावे का और कन्हैया नहीं सुधिका मीरा ने कहा अरे प्रभु दुनिया में अपना कोई दुनिया में अपना कोई हमारा सहाय तुम्हारे सिवा ना कोई दूजा कन्हैया ने ऐसे बाहें फैला दी कन्हैया ने बाहें फैलाई राधा घुमाया जब कन्हैया ने बाहें फैलाई तो मीरा उसमें प्रवेश कर गई अंदर चली गई मीरा
देख लीजिएगा, फिल्मी टुकड़ा कह रहा है कुछ ऐसा परोसो बड़े आनंद से। भाई वाह, क्या तूने दिल से जो विशेष बात आई, वो मेरे दिल के राजा, वो मेरे दिल के राजा, वो मैं उसके दिल की रानी। ये है राजा रानी, जब बहु रानी, बिटिया रानी, जब और हो सकता देव रानी, जेठानी भी, प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ में जनकपुरी में टहल रहे थे। क्या तो नीरज सहज सुंदर दो भाई हो ही सुखी लोचन फल पाई, जुबती भुवन झरोखन लागी, नीरज राम रूप अनुरागी, करहिं परस्पर वचन सुप्रीति, और सख इन कोट काम छवि की। चौपाई लेके चली आयो, चलो हवा बना। एक तो चौपाई काफी है, क्या पूरी कामना जब ये कहा कि आपका गीत कहता है कि हे मैया वो मेरे दिल के राजा, मैं उनके दिल की रानी, वरदान दिया महारानी ने, वरदान दिया, कहा पूरी कार पूरी करना प्रेम कहानी। सखियों ने जब सुंदर स्वरूप राम लक्ष्मण का देख, राम जी का देखा, अनायास उन सखियों के मुंह से निकल पड़ा क्या, पूरी करना प्रेम कहानी, वो इनके पन राजा। ए हे, क्या बात बेटे, क्या बात, ये सखियों ने कहा, मिलेगी फूल बाग में, मिलेगी फूल बाग में, वो इनके पने राजा, वो इनकी पने रानी। फिल्मों के नाम आपने लगाए हैं, ऐसा परोसो ये बिहार की जन जन जनमानस है, इनके मामला का होगा। अरे घर से सोच के सकी, हम ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छा ना गाएं, बिल्कुल गाएं, जोर शोर से गाएं, हिम्मत बांध के गाएं, इनको देखते हुए दिल लगा के गाएं। छोड़ो
बेटा जिसे प्रेम नगर में वो फूल प्रेम नगर में प्रेम पुजारी बन जाए रघुराई प्रेम कथा प्रेम राम को संकेत करके उन सखियों ने कहा क्या अरे तुमको पता नहीं है तुमको लग रहा है कि हमें लग रहा है कि तुम कामदेव हो लेकिन समस्या वही साल हो जाती है जब उस वाटिका में जब प्रभु श्री राम ने मोर का पंख लगाया क्या बात ये है जवाब इसको जवाब कहते हैं अब प्रभु श्री राम को देखा सखियों ने मन के उद्धार व्यक्त करने लगे क्या कहा क्या बन जाए सीता तुम्हारी बन जाए सीता प्रेम देखिएगा दिखाओ बेटा दिखाओ ये इनके बने राजा प्रेम प्रतिज्ञा मैं पूरी हो क्या बात है प्रेम ग्रंथ बन जाए ये क्या बात है क्या बात है बच्चे ये दो प्रकार से है समझो लिखो प्रभु श्री राम को देखा सुलक्षणा को याद आ गई जब याद आई तो कहा अरे जाके दिल में पीछे की बात याद आ गई जाके Oh
भैया साहब। हेलो ये है जवाब। कहाँ गए? गए बड़ा बड़ा मेन माइक का वाले बड़ा और हमसे बता रहे हैं लिखो। हाँ क्या मैं शुक्ला भैया कह रहे हैं लिखो। हाँ क्या कह रहे हैं? कलम उठाना पड़ेगा। ये सब खता वाली बात नहीं करते। अभी बहुत बिल्कुल बच्चा। बता रहे लिखो बिना लिखे पड़े जवाब ही हो। अगर हम कहें तुमसे कि अब लिखो तब तब इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ कि पढ़ते पढ़ते मन बल 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 याद तेरी मन धर ले मेरा दिल धड़काए पाए मन पल 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 याद तेरी तरपावे से तेरा रूप जिगर में इसमें एक बड़ी समस्या है। समस्या ये है अनु भैया सुना बेटा वो चरण कमल है पावन क्या बात है वो चरण कमल है पावन पावन से निकली पावन क्या बात है गंगा जी का एक नाम विष्णुपति है लिख लो चरण कमल है पावन पावन से निकली पावन पावन ताके अति पावन सब देव तनुज हुए पावन। क्या बात है। अब देखिए यहाँ पे एक मटेरियल आया क्या ढोलक बजाते हुए मटेरियल क्या है कि चले हरा 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 अहम मेरी थी है उठाओ कागज कलम और लिखो चली हरा 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 है मैं थी है हाय विष्णु के पांव से निशा जी समस्या इस बात की है कि
गंगा जी विष्णु के पद से निकली, भगवान शंकर के सिर पे बैठी। भगवान विष्णु के पद से निकली, भगवान सर भगवान शंकर के सर पे बैठी। अब देखिए एक टुकड़ा और देखिए। सुनाओ। ओ विश्वामित्र के साथ में चले, विश्वामित्र जी ने पूछा बताओ एक एक घंटे वाला रास्ता चलोगे कि 24 घंटे वाला चलोगे। लखनलाल चौंके, उन्होंने कहा ना हम एक घंटे वाला चलेंगे। और जब चले तो मिल गई द्वारका, द्वारका मिली तो एक ही बाण प्राण हर लीना, तीन जान निज पद उन्हें दीना। अब देखिए हुआ क्या, जब एक ही प्रकार में वो धराशायी हो गई तो प्रभु श्री राम ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी, बोल तुझको स्वर्ग पहुंचा दूं। बोल द्वारका ने कहा प्रभु ना एक इच्छा है मेरे मन में। क्या प्रभु श्री राम से बोली द्वारका, क्या द्वारका बोली मेरी इच्छा राज कहला। प्रभु श्री राम से कहने लगी द्वारका, है प्रभु अरे आप अभी जाएंगे, आप विवाह करेंगे, विवाह के कुछ दिन बाद आपका वनगमन हो जाएगा और 14 वर्षों का वनगमन होगा, तो जितने दिन आपका वनगमन होगा उतने दिन प्रभु ये कृपा कर दीजिए, मैं अयोध्या के राजा बनकर के राज तारका प्रभु वर पागल हाथी बन गई खड़ा। तारका जब धराशायी हो गए प्राण निकल गई, जब प्राण निकल गए उसके तो उसकी जो तारका की हड्डी थी उस तारका की हड्डी की बनी खड़ा प्रभु श्री राम ने वही पहना। और उसके बाद में जब भरत जी आए मनाने के लिए तो वही द्वारका की हड्डी की खड़ाऊ त्रिकूट में भरत जी सर पे रख के घूमेंगे। प्रभु नाम में कितनी है क्षमता ये ग्रंथों में कह डाला, 2400 खंडे जब वो भरत नाम की अगर भरत में ये क्वालिटी है कि 2400 घंटे प्रभु राम का नाम ले रहे हैं तो वो खड़ाऊ भी पीछे नहीं है ना, वो खड़ाऊ भी देखिए क्या कह रहे हैं कि जब हरा 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 अहम में आई थी है। और चित्रकूट में प्रभु राम के पद से प्रभु राम के पद से निकल भरत सर बैठी है। एक एक अंतिम टुकड़ा सुनेगा, कलयुग का ज्ञान है जब दुखी मन से दूलनदास बड़े बड़े बाबा कोटवा के यहाँ से कोटवा धाम से जब दुखी मन से जाने लगे तो साहेब ने बड़े साहेब ने यही कह दिया कि दूलन दूर न जाइयो रहे चरण के पास। अब देखिए गुरु कृपा प्राप्त करने को क्या
आपके रायबरेली धर्मे से धर्मे से प्रतिदिन आ रहे कोटवा पहुंच जे साहेब साहेब बंदगी लेकिन जब जब बड़े शायर ने कहा दूल्हन दूर न जाइयो रेवचंद के पास बहुत मन प्रसन्न हो गया लेकिन एक बात हुई क्या क्या वचनामृत सुन साहेब वचनामृत सुन साहेब दूल्हन का कल पहिया है गुरु चरण पादुका ले बुध नाचे नचा दिया तुलनदास जी को साहेब की चरण पादुका मिल गई तो सर पे रख के कोटवा पूरे कोटवा धाम में नाचे बिचारे लेकिन वो खड़ाऊ साहेब की चांदी की खड़ाऊ जो निर्जीव थी आज वो निर्जीव नहीं थी वो भी बोलने लगी जब गुरुवर 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 साहेब मेरी थी है हाय साहेब के तब से कल तक सर थी है विष्णु के पद से निकल शिव के सर पीठी है प्रभु राम के पद से निकल भरत सर पीठी है और साहेब के पद से निकल पाद सर पीठी है अब देखिएगा वाह भाई वाह देखिएगा एक एक फिल्मी डुगड़ा हो गया अबे कोई बिल्कुल नहीं औका सुनाओ रे सुनाओ मेरे अरे सैया डबल बेड के पलंग बनवाईला देखिए ये भोजपुरी की एल्बम की दुनिया गया गया लेकिन ये बारह बंगी वाले क्या गए बारह बंगी वाले कह रहे कि जब काम को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया जब काम को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया तो रति रोने लगी प्रार्थना करने लगी ये क्या कर दिया आपने मेरा ये दो हंसों का जोड़ा तुमने एक तोड़ दिया कितने प्यार से हम रह रहे थे आपने तोड़ दिया जब अनुनय विनय प्रार्थना किया रति ने तो प्रभु भगवान शंकर ने वरदान दे दिया कि चल कोई बात नहीं रति इस युग में तेरा पति तो प्रीतम नहीं मिलेगा लेकिन आने वाले युग में तेरा पति मिलेगा अच्छा प्रसन्न हो गई अब वो आ गई द्वापर युग में संबरासुर के यहां
नौकरानी का काम करने लगी, दासत्व तो उसने स्वीकार कर लिया। अब देखिए हुआ क्या, जब प्रद्युम्न का शंबरासुर ने हरण किया, जब हरण किया और ला करके रति को ही शंबरासुर ने प्रद्युम्न को दिया। अब जब प्रद्युम्न को रति ने अपनी गोद में लिया, जब गोद में लिया तुरंत उसको याद पुरानी आ गई, भगवान भोलेनाथ ने कहा था। अब मन में विचार करने लगी रति, शिव जी की बतिया आज सच ही हो जाला, शिव जी की बतिया आज सच ही हो जाला, शिव जी की बतिया आज सच ही हो जाला, सैया ललिता बन के सैया लड़का बन के आए कई कोरा में। प्रद्युम्न है, छोटे हैं, शंबरासुर हरण करके लेके आया है और शंबरासुर को ये बात पता नहीं है। अब उसने जब रति को दिया, अपनी दासी को दिया, वो क्या जाने ये कौन है। तुरंत जैसे उसने रति को दिया, दासी को दिया अपने, तो जैसे देखा प्रद्युम्न की छवि को, क्या बात है, आ गए भाई। हाँ, ये पुराने प्रीतम सैया लड़का बन के आई गई कोरा में, जिया में जिया में अंजो प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की, प्रेम से बोलिए। जितने भी भक्तगण बैठे हैं आप उठा करके महामाई के नाम का जयकारा करेंगे।